अस्सलाम वालेकुम, आप सभी व्यूवर्स को मेरा तहे दिल से एहतराम के साथ सलाम मैं करती हूँ आप सबको, और रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम माहिरा हसन है, मैं पहली बार अपना व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आए। अभी हम लोगों ने इफ्तार कर लिया है, सारा काम वाम नमाज से अल्लाह ने फारिग करा दिया है। मैंने डिश वगैरह सब वॉश कर ली है और अभी मैं ये सारा क्लीन करके आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर का, मेरी लाइफ का क्या रूटीन है। आई होप आप लोगों को पसंद आए और आप लोग भी इंजॉय करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ये हर चीज़ मैं अपनी जगह पर रख दूंगी, जो चीज़ें जहाँ की हैं वो वहीं होनी चाहिए। मेरी मदर को बहुत बहुत शौक़ है, घर में सलीका होना चाहिए, हर चीज़ अपने तरीके से होनी चाहिए, किचन क्लीन होना चाहिए। तो मैं वही कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से क्लीन करूँ और बर्तन जहाँ के हैं वो वहीं होने चाहिए। तो वो सब काम करके हम लोग फिर सहरी के लिए किचन को रेडी कर रहे हैं कि जब किचन में काम हो तो किचन साफ अच्छा लगता है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस आया है जिसने सबकी लाइफ को बदल दिया है। अल्लाह पाक आपको और हम सबको इस वायरस से बचाए, और जो लोग इस मुश्किल से गुजर रहे हैं अल्लाह पाक उनको बचा ले और उनको भी हिम्मत दे इस वक्त से लड़ने की, मेरी दुआ है। ये रमज़ान शरीफ इतने मुबारक और इतने अच्छे आए हों कि सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा दुआएं दे के जाएं। जहाँ सफाई होती है वहाँ खुदाई होती है। तो हमारे यहाँ ये बहुत वो होता है कि एक एक चीज़ जगह पर हो, एक एक चीज़ साफ हो, और हम लोगों की पूरे दिन यही कोशिश रहती है कि हम लोग किसी तरह सब काम करते हैं। किचन की डिश वॉशिंग तो हो गई है, अब ये सिंक मैं क्लीन कर दूँगी ताकि सिंक साफ लगे, अच्छा लगे। अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत बहुत खुश रखे और हम सब लोगों की को भी इस कोरोना वायरस से बचाए। और ये ईद हम सब के लिए बहुत खुशियाँ, बहुत बहुत सारा जो है अच्छाई के लिए ये साल आगे बढ़े, सबके काम स्टार्ट हो। अब ये हमने सिंक अपना ये पोर्शन सब क्लीन कर लिया है, अब हम इसे बंद कर देंगे और इंशाल्लाह व्यूवर्स हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आई होप आप सब लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया हो, और आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल। आप सब लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।